अभी है ना हमारे घर पे है ना एक कबूतर आके बैठा है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है ना हम क्या करने वाले हैं, जो हमारे मुर्गियों का पिंजरा है ना, आपने देखा होगा यहाँ पे मुर्गियाँ हमारे यहाँ पे रहती हैं, कुछ क्रेटों में रहती हैं, ऐसी रहती हैं यार। तो अभी हम क्या करने वाले हैं यार, हमने है ना जाली ऑर्डर करी थी, वो आ चुकी है। यहाँ पे देखिए, ये जाली का एक बंडल हमने मंगवाया था और ये पुरानी वाली जाली रखी है। तो इसका हम क्या करने वाले हैं, आज हम बनाने वाले हैं यार हमारे मुर्गा मुर्गियों के लिए पिंजरा। जितना बनेगा यार उतना बना लेंगे। और आज ये जाली मैंने मंगवाई है, इसको भी अनबॉक्स करके दिखाऊंगा मैं आपको। और ये जाली है ना मैं बहुत ही अच्छे दाम में मंगवाता हूँ, मतलब बहुत ही सस्ते दाम में मंगवाता हूँ। अगर किसी को भी चाहिए हो ना, बार बार कमेंट करते हैं यार मेरे पास है ना कि आप कहाँ से मंगवाते हैं। तो मैं है ना लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, कमेंट बॉक्स में नहीं दूँगा, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा आप और वहाँ से है ना आप जाली बाय कर सकते हैं। जिसको भी ख़रीदना है हो सकेगा तो कमेंट बॉक्स में भी देने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ से है ना ये जाली का है ना सब वहीं पे मिलेगी आपको, लिंक जितनी भी बाय प्रोडक्ट लिंक होती है ना आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाया करेंगी और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाया करेंगी। तो यहाँ से है ना इनको अभी अनबॉक्स करूँगा मैं यहाँ पे। तो दाएं जब तक है ना क्या करो तुम, फ्रूट्स में रूट्स डाल के उसको तोतो को है ना, वो पानी पिला देना, पुष्पा को देना, पुष्पा सो रहा है अभी यहाँ, आराम जाओ दोनों जाओ बढ़िया गेट लगा लो आराम से, बस ठीक है। अच्छा देना पानी, देखो पानी वानी भर देते हैं, लो अच्छा धो के ले आना अच्छे से ना। हाँ पूरी डाल देना, कितनी, चार पांच होंगी? हाँ पांच डाल दो। और दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारे दो बास कबूतर भी यहीं पे बैठा है, कैप्टन भी यहीं पे बैठा है और हमारा लकी पिजन भी यहीं पे बैठा है। तो तीनों यहीं पे बैठे हैं, दो मेल हैं और एक फीमेल है। तो यहाँ पे है ना इन सबका हम पानी वानी दाना वाना सब चेंज करते हैं जल्दी जल्दी से। तो दोस्तों यहाँ से हमने सबका दाना पानी कर दिया है, अब क्या करते हैं यार हमें है ना इस वाली जाली को है ना जल्दी से खोलते हैं। तो पकड़ना, मैं खोलता हूँ जल्दी से यहाँ से, देना यार निकालते हैं ऐसे, अपन कहाँ से खुलेगी ये। दोस्तों यहाँ से है ना हमने जाली है ना अनबॉक्स कर दी है, देखिए इतनी बड़ी जाली निकली है। और यहाँ पे ही हमने मंगवाई है यार 20 फीट 3 फीट 3 फीट ऐसे में 20 फीट लंबाई है इसकी। और यहाँ पे इसके साथ ये आती है देखिए, जो पिंच आती हैं और एक आता है इसके अंदर काटने के लिए कटर। तो यहाँ पे है ना जल्दी जल्दी से हम क्या करते हैं यार, ये तो आ चुकी है, अब है ना हमें बनाना है पिंजरा 10 फीट का। तो जल्दी जल्दी से है ना हम पिंजरा बनाना शुरू करते हैं और जितना बन जाता है आपको दिखाते हैं फिर आखिरी में। तो दोस्तों अभी है ना हमें शाम हो चुकी है और हमारा है ना इतना ही काम हो पाया यार, काफ़ी मेहनत का काम है यार ये भी है ना, क्योंकि यार इसमें जो बुनना पड़ता है ना उसमें यार काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है और वो इतना इजी काम है भी नहीं यार। तो अभी देखिए हमने है ना जाली आई थी, हमने उससे इतना ही काम कर पाया यार। ये देखिए यहाँ पर ये लगा पाया, इसको बैंड करके देखिए यहाँ से इतना बुन पाया, ये ऐसे करके आप यहाँ से देख लीजिए ऐसा बनाया कुछ, आपको शायद क्लियरली नज़र आ रहा होगा। ये देखिए देखिए इतना कुछ बनाया, ये आपको ऐसा दिख नहीं रहा होगा इतना क्लियरली, क्योंकि अभी इस पर कलर मलर नहीं हुआ है, जब बनने के बाद है ना फुल आपको क्लियर दिखेगा यार। उस पर थोड़ा थोड़ा कलर कर देंगे हम नीचे, नहीं तो पूरे में कलर कर देंगे और ऊपर थोड़ा थोड़ा करेंगे हम, जिससे यार ये क्लियर विजिबल हो जाए। और यहाँ पे देखिए जाली कटी हुई है पड़ी है थोड़ी बहुत, यहाँ पे पड़ी हुई है जाली और सामान पूरे में बिखरा पड़ा हुआ है यहाँ पे देखिए आप। और यहाँ से देखिए हमारा ये है ना इतना पोर्शन ये तैयार हुआ है। तो हम पूरा है ना 10 फीट का बना रहे हैं यार, तो काफ़ी मेहनत तो लगेगी यार इसमें हमारी। तो ये इतनी जल्दी वाला काम तो है नहीं यार कि एकदम हो जाए, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। हमने सोचा था यार कि जल्दी बन जाएगा लेकिन जल्दी नहीं बनेगा, एक दिन का काम तो बिल्कुल भी नहीं है यार ये है ना, इसमें कम से कम 2 या 3 दिन लग जाएंगे, हमें धीरे धीरे करना पड़ेगा क्योंकि हम एकदम तो नहीं कर पाएंगे। तो हम इसे कंप्लीट ज़रूर कर लेंगे, अभी तो देखिए इतना कंप्लीट हुआ है, जो हमने जाली आई थी उसे भी काट के इसमें लगा दिया है। तो यहाँ पे इतना काम तो हो गया है हमारा, अब बाकी काम हम कल करेंगे, यहीं पे छोड़ देंगे और इसको है ना हम इस कमरे के अंदर रख देंगे, क्योंकि यार पानी मानी आएगा तो फिर ये जंग खा सकता है। तो पूरा सामान हम इकट्ठा करके अंदर रख देंगे और अभी हम चलते हैं यार हमारे कबूतरों को दाना वाना डालते हैं खोल के, और उन्हें काफ़ी दिन से खोला भी नहीं है तो उन्हें खोलते भी हैं चल के। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ हमारे कबूतरों के पास, तो यहाँ से है ना हमारे कबूतरों को खोल देता हूँ मैं, जाओ जाओ आ। देखिए यहाँ पे खोल दिया है मैंने, लेकिन यहाँ पे अभी एक चील थी या बाज था वो चला गया है, तो अब मैंने इसलिए खोल दिया है, नहीं तो अभी मैं खोलता भी नहीं। और यहाँ पे उस टावर पे बैठे भी हैं लगता है बहुत से, तो यहाँ पे मैं इनको उड़ाना तो नहीं वाला हूँ क्योंकि मैं पागल नहीं हूँ यार, अगर मैंने उड़ाया तो वहीं पर जाएंगे देख के। तो अभी मैं क्या करता हूँ जल्दी से दाना खोलता हूँ और इनको दाना वाना डालता हूँ, आया थोड़ा ही डालूंगा यार दाना, मैं ज़्यादा नहीं डालूंगा, नहीं तो फिर ये अंदर होने में नाटक करते हैं, बंद नहीं होते हैं ये कबूतर। देखिए अंडे मंडे वाले सब उठ के आ गए, तो अब अंडे देख लेते हैं हम चल के अंदर, चलो बाहर दाना खाओ। और ये पानी भी देखिए कितना पीला, ये पता नहीं इसमें यार इतना कीचड़ कैसे जमा हो जाता है यार, ये है ना पैर डुबा देते हैं क्या करते हैं। तो पूरा पानी मैंने फेंक दिया, अभी यहाँ रखते हैं इसको और हम देख लेते हैं यार अंडे जब तक। और मैंने इन कबूतरों को भी खोल दिया है यहाँ से देखिए, तो अभी है ना इन दाना वाना खाने के लिए खोल दिया था मैंने, और ये घूम रहा है बढ़िया आराम से बाहर अपने, देखिए वो बैठा है मेल और फीमेल है ना ये बैठी इसके सामने, तो फीमेल भी घूम रही है मेल भी घूम रहा है। यहाँ से ये एक अंडा है, ये दो अंडे जंगली के रहे,
और यहाँ से ये दो अंडे आए, तो इनकी हम एक दिन कैंडलिंग कर लेंगे यार। अभी तो मेरे पास दूसरा फ़ोन नहीं है इसलिए कैंडलिंग नहीं कर रहा हूँ मैं। और यहाँ से और किसी ने भी अंडे नहीं दिए हैं अभी, तो अभी है ना शायद दे दें जल्दी जल्दी अंडे। और यहाँ से मैं जब तक पानी भर के ले आता हूँ, थोड़ी देर इन्हें खुला छोड़ता हूँ ऊपर, थोड़ा घूम फिर लें जब तक ये आराम से। दोस्तों यहाँ से है ना पानी लेके आ चुका हूँ, यहाँ पे है ना पानी रख देता हूँ अंदर, ये रख दिया है हमने। और कबूतरों को अब कर देता हूँ यार बंद, क्योंकि यार ये काफ़ी देर हो गई है ना, मैं साफ़ करते करते है ना वहीं बैठ गया था नीचे, उसे साफ़ कर रहा था क्योंकि यार गंदा काफ़ी हो गया था। देखिए अब खुद ही जाने लगे अंदर, देखिए देखिए इन्होंने सोचा दाना अंदर डलेगा यार, इनकी आदत सी हो गई है बंदा जाने की। देखिए पानी है ना प्यासे थे, गंदा पानी पी नहीं रहे थे, तो ये अच्छी बात है यार, गंदा पानी पीना भी नहीं चाहिए इन्हें। तो यहाँ से अपने दाना डाल देता हूँ, लो खा लो चलो चलो मिट्टी में डालता हूँ, तो ये मिट्टी भी खा लेते हैं यार, इससे फ़ायदा हो जाता है हमें। चलो लो वहाँ पर डाल दिया कोने में, चलो अंदर बस बस चलो 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 ये जाने ही रहा, चलो 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 बस गया यहाँ, ये गया, ये गेट लगा दिया हमने। तो यहाँ पे है ना अब हमारे कबूतर है ना बंद हो चुके हैं अब, तो अब बाकी काम तो हमें कल ही करना है यार। तो देखते हैं यार थोड़ा बहुत, चलो एक काम करता हूँ मैं, थोड़ा बहुत और जितना हो सकता है ना काम वो और कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ फाइनल कितना काम हुआ है हमसे। तो अभी अभी है ना हमारे घर पे है ना एक कबूतर आके बैठा है, घर पे नहीं यार सामने जो डोरी है ना उस पर एक कबूतर आके बैठा है, आपको नज़र आ रहा होगा शायद, देखिए वो सामने बैठा हुआ है, आपको नज़र आ गया होगा अब तो। वाइट कलर का कबूतर है यार, फुल वाइट तो नहीं है, हमारी कलदुमी की तरह है बिल्कुल सेम टू सेम। अब पता नहीं कौन सा यार, यहाँ हमने कबूतर खोल दिए लेकिन हम पिछली दफ़ा की तरह नहीं करेंगे यार, बिल्कुल भी हरकतें यार, हमने उल्टी सीधी हरकतें कर दी थी यार, कबूतर उड़ा रहे थे कहीं कुछ कर रहे थे। अगर इसे आना होगा ना तो खुद आएगा यार, यहाँ पे देखिए वो बैठा हुआ है सामने सामने, हाँ वो देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए ये नज़र आ रहा होगा आपको, वहीं पर बैठा हुआ है यार वो। तो यहाँ पे हमारे कबूतर अभी खुले हुए हैं यार, इसे पकड़ने की फुल कोशिश करेंगे लेकिन हम हाथ से नहीं पकड़ेंगे यार, आपको पता है हमने ऐसे हाथ से पकड़ा थे नहीं कबूतर यार, आपने कमेंट करी थी यार पहले आप कबूतर पकड़ना सीखे, तो अभी हमसे पकड़ा थे नहीं है आपको पता होगा। तो हम क्या करेंगे यार, हमारे कबूतर को खुला रखेंगे, ये आके बैठेगा इसके अंदर करने की कोशिश करेंगे, हम हमारे जो पिजन हाउस है ना इसके अंदर करके पकड़ने की कोशिश करेंगे। अभी वो सामने बैठा हुआ है तो थोड़ा सा उड़ाते हैं हल्का सा बस फड़की देने के लिए, क्योंकि यार बैरी गिर जाती है ना फिर दिक्कत होती है अपन को। शाम को तो बैरी नहीं रहती है ना। तो दोस्तों देखते हैं यार, वेट करते हैं थोड़ा, हमें से है ना बुलाने की कोशिश करते हैं, अगर आता है तो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों यार वो कबूतर तो है लंबा जा रहा है, दास कबूतर उड़ाना जल्दी, देखिए दोस्तों वो जा रहा है जल्दी 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 जल्दी, किसका कबूतर होगा यार ये, वो देखिए सामने निकल गया यार, वो जा रहा है आपको नज़र आ रहा होगा, वो देखिए वहाँ पर वो जा रहा है, अब नहीं आएगा दास, वो नहीं आएगा लगता है ना, बहुत लंबा निकल गया यार ये देखिए, वो कॉलोनी में जा रहा है आपको नज़र आ रहा होगा शायद, देखिए वो सामने उड़ रहा है, कहाँ उड़ रहा है, जा कहाँ रहा है फिर ये दोस्तों, देखिए वो देखिए नहीं बैठा अभी, ये देखिए कहाँ गया, दूर गया क्या, पेड़ के पास ही बैठ गया, किसका कबूतर किसका था वो। चलो दोस्तों देखते हैं आता है कहाँ है, कहीं गया है क्या दूर, कॉलोनी से घूम रहा है इस साइड को, शायद अब बैठ आया हूँ, ये लिफ्ट से ही नहीं है हाँ? की रखी है हाँ? इसके पीछे पहले तोड़ा था लेकिन इधर क्यों नहीं आया उल्टा हाँ? किसी को लगता है बिचका हुआ कबूतर था, भक्के आ जाता है ना हाँ? देखते हैं यहाँ दोस्तों, अभी तो नहीं आया है, अगर आता है तो फिर देखते हैं और आपको बताते हैं आएगा तो। दोस्तों हमने है ना हमारे सारे कबूतर बंद कर दिए हैं यार, और वो कबूतर गया था ना वो चला ही गया यार, आए नहीं वापस यार, ऐसा निकला यहाँ से आपने देखा होगा यहाँ तक तो आपको दिख रहा होगा, मैंने जूम करके काफ़ी दिखाया आपको, वहाँ से है ना वो पेड़ के पास से मुझे देखना बंद हो गया था, दानिश को दिख रहा था वो घरों तक, फिर वो गायब हो गया, पता नहीं अब अगली बार आएगा जब देखेंगे, अभी तो नहीं आया है। हमने हमारे सारे कबूतर यहाँ बंद कर दिए, देखिए वो है ना कुछ किसकी तरह लग रहा था यार कबूतर, हमें लग रहा था कलदुमी की तरह, जो हमें कलदुमी है ना उसकी तरह लग रहा थोड़ा थोड़ा कबूतर। और हमने है ना जो हमारा काम चल रहा था नीचे, देखिए हमने सारा है ना अंदर रख दिया, क्योंकि हमने जितना कंप्लीट करा उतना ही कर पाए यार हम, कबूतर आ गया फिर हम उसे देखने लगे, हम कर तो रहे थे काम लेकिन कबूतर आ गया फिर हम उसे देखने लगे, तो फिर हमने है ना कबूतर खोले लेकिन वो उड़ गया यार, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते यार, अगर हमारी छत पर आता तो हम पकड़ने की कोशिश करते, लेकिन हमने तो पकड़ने की कोशिश करी थी कबूतर बाहर खोले, और हमने ज़्यादा बिचकाया भी नहीं उसे, लेकिन वो वहाँ से डायरेक्ट उड़ा और ऐसा निकल गया। तो इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है हमारे, लेकिन सारे कबूतर बंद हो चुके हैं यहाँ, दाना पानी भी पूरा कर दिया है हमने उनका कंप्लीट। तो बस यार यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो ना वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।